अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन वेजिटेबल स्पैगेटी। और ये आपके पास जिस भी कंपनी की है आप ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो मैंने, मेरे पास ये मिलती है तो मैंने यही ली है, और भी मिलती है लेकिन मैं यही लेती हूँ ज्यादातर। लहसुन अदरक लिया है मैंने 1 टेबल स्पून भर के। सॉल्ट लिया है 1 टीस्पून। हाफ टी स्पून मैंने लिया है ब्लैक पेपर। हाफ टी स्पून ही मैंने क्रश की हुई चिली ली है रेड वाली। चिकन लिया है मैंने, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मेरा तकरीबन हाफ पाव जितना हो जाएगा। उसके बाद मैंने प्याज लिया है एक मीडियम साइज का। 3 कलर की मैंने पेपरिका ली है, हाफ कप मैंने गाजर लिए, और ये वाला जो है ग्रीन अनियन लिया है मैंने थोड़ा सा, और एक मैं ले रही हूँ चिली। ये ज्यादा कड़वी नहीं होती, अगर आप डालना चाहें तो आपकी मर्जी, अगर ना डालना चाहें तो ऑप्शनल है। उसी के साथ लेमन लिया है मैंने हाफ, आप इसकी जगह पे व्हाइट विनेगर भी यूज कर सकते हैं। उसी के साथ मैंने टमाटो पेस्ट लिया है, जो कि मैं तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून में जीरा लूंगी, और ओरिगानो हाफ टी स्पून लूंगी, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून, कुकिंग ऑयल 2 से 3 टेबल स्पून लूंगी। तो चले इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं चिकन में जीरा ऐड कर दूंगी हाफ टी स्पून। उसी के साथ जो मैंने मसाले लिए ये डाल दूंगी, ओरिगानो डाल दूंगी हाफ टी स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून ही चिली सॉस। इसे मैंने मिक्स कर लिया है, अब मैं इसे 15 मिनट के लिए रख रही हूँ, जब तक स्पैगेटी बॉयल कर लेते हैं। स्पैगेटी को बॉयल कर लेते हैं, और ये मैं बता दूं स्पैगेटी जो है ये 250 ग्राम है, आपने इसे तोड़ना नहीं है, ये खुद ही इस बर्तन में चली जाएगी सारी। ये बहुत ही अच्छे तरीके से पक गई है, अब मैं इसका पानी जो है वो गिरा कर छन्नी में इसे छानूंगी, और उसके बाद जो है इसके ऊपर एकदम से ठंडा पानी डाल दूंगी। और मैंने इसमें कुकिंग ऑयल भी डाला था 2 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है, और साथ में इसमें सबसे पहले लहसुन डाल दूंगी। लहसुन को पकाने के बाद अब इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन को हम पका लेंगे जब तक ये गलता भी है और अच्छे तरीके से ये पक भी जाता है, तो इसे 7 से 8 मिनट लगेंगे। चिकन जो है ये तकरीबन पक गया है, अब मैं इसके अंदर टमाटो पेस्ट डाल दूंगी, और बहुत ज्यादा नहीं डालना, 3 से 4 टेबल स्पून या 2 से 3 स्पून ही डालें आप इसमें। और इसी के साथ ही मैं इसमें प्याज भी ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास टमाटो पेस्ट वगैरह नहीं है तो आप इसकी जगह पे टमाटर भी ले सकते हो। प्याज वगैरह जो भी चीजें इसमें मैंने डाली थी वो पक गई है, अब इसमें बाकी की मैं जो सब्जियां हैं वो ऐड कर दूंगी, लेकिन जो ग्रीन अनियन है वो अभी ऐड नहीं करने। तो देखिए चिकन और सब्जियां ये बिल्कुल रेडी हो गई हैं पककर, अब मैं इसके अंदर जो लेमन है वो भी ऐड कर दूंगी, और मैंने इसके अंदर हरी मिर्ची भी ऐड कर दी थी जो मैंने ली थी। आपका दिल करे तो आप डालें, अगर नहीं डालना चाहें तो ना डालें। लेमन डालकर इसे मिक्स कर लूंगी, और इसी के साथ जो स्पैगेटी है वो भी डाल दूंगी। के साथ जो मैंने ग्रीन अनियन लिए थे वो भी ऐड कर दूंगी। करेंगे इसे बहुत ही ख्याल से मिक्स करना है इसे। स्पैगेटी जो है
ये मिक्स भी हो गई है और बहुत ही अच्छे तरीके से बन गई है। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी आसान लगी और पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।